हेलो गाइस, कैसे हूँ मैं आपका दोस्त सलीम खान। गाइस आज आपको बताते हैं कि एमसीबी किस तरीके से लगाई जाती है और किस किस चीज़ों पे इन्हें यूज़ किया जाता है। तो देखिए गाइस, ये हमारे पास बेंटेक्स का चेंज ओवर है और ये हमारा एमसीबी बॉक्स है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि ये हमारा जो एमसीबी बॉक्स है जिसमें हमारी ये 8 एमसीबी लगी हुई हैं। ये जो 2 एमसीबी है हमारी, ये दोनों हमारी एसी की हैं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट बिजली से गई हुई हैं। इससे स्टेबलाइजर का अलग ऊपर लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों एमसीबी हमारी डायरेक्ट रहेंगी, एसी की हैं दोनों हमारी। दूसरी एमसीबी हमारी ये जो है, जहाँ पर हमारा समरसेबल का स्टार्टर लगा हुआ है, ये वहाँ की लाइन है। वहाँ पर हमारे इन्वर्टर की सप्लाई है और कुछ कमरों की सप्लाई दी गई है। ये जो है हेवल्स कंपनी की जो एमसीबी लगी हुई है, ये हमारी नीचे की है और जिसमें एसी जा रही है, ये वहाँ तक सारे में करंट जा रहा है। इसका 63 एम्पीयर का जो ये जो 63 एम्पीयर जो डीपी पोल है, ये है हमारा स्टेबलाइजर का। अगर हम इसे नीचे गियर देते हैं तो हमारी वोल्टेज की लाइन चली जाएगी। तो ये देखिए, हम इसको आपको गेर के दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी लाइन कट गई है, यहाँ से वोल्टेज में से भी हमारा करंट जा चुका है। जैसे ही हम इसे ऊपर उठाएंगे, ये देखिए इंडिकेटर में आ गई है, लेकिन मीटर में कुछ समय बाद आएगी। ये देखिए मीटर में आ गई है, ये हमारा टाइमर लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए ये मेन रहेगी हमारी। ये जो 2 एमसीबी लगी हुई है, इसका कोई काम नहीं है। ये हमारे पास पुरानी एमसीबी पड़ी हुई थी, यहाँ पर जगह खाली थी, तो इसलिए हमने इसमें ये एमसीबी लगा दी है। तो ये हमारी किसी काम की नहीं है। कभी भी हम अगर कोई एमसीबी फूकती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जगह खाली कम थी, फालतू थी, तो हमने इसको वहाँ पर लगा दिया। अब आ जाइए चेंजर पर। ये हमारा बेंटेक्स का 25 एम्पीयर का चेंज ओवर है। इसमें अगर हम इस सेट करेंगे तो ये हमारी मेन सप्लाई चल रही है, और जैसे हम इसे यहाँ से 20 से हटा देंगे तो हमारी मेन कट गई है, और यहाँ पर ये हमारा जनरेटर हो गया है। जो दीवार की साइड है, जो पल्ले की साइड है, ये हमारा जनरेटर रहेगा। तो इसके हमने कनेक्शन कर दिए हैं इसके। और ये जो हमारा ST फोल्ड लगा हुआ है, इसमें हम बता देते हैं, जो रेड कलर का जो केबल आया हुआ है, ये हमारे जनरेटर का है, और ये जो केबल है, ये हमारा समरसेबल और ऊपर जो लाइन जा रही है, ये उसका केबल है। तो इससे हमने ST फोल्ड लगाया है। ST फोल्ड सिर्फ इसलिए लगाया जाता है ताकि ये तार अगर हम जोड़ लगाएंगे तो ये तार में कार्बन आ जाएगा और ये जोड़ ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए ये हमने ST फोल्ड लगाया हुआ है। तो गाइज़, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं गाइज़ आपसे अगली वीडियो में।